भाई इसको सुनाई नहीं दे रहा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना हिमाचली छोकरा। भाई तो सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30। भाई तो अब बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ आज का ब्लॉग। भाई तो मैं शाम को ब्रो आ गया था, तो ब्रो मैं रुका हूँ। भाई बैकग्राउंड देखा और आप आइडिया लगा रहे होंगे जिसने मेरा पहले ब्लॉग देखा है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आप रूम देख कर ही पहचान लेते हैं जो डेली ब्लॉग देखते हैं मेरा। तो भी आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, आज जा रहे हैं हम भी 5G की इंस्टॉलेशन करने, जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। लेकिन आज हम लोकलिटी में जा रहे हैं, लोकल साइट है हमारी आज। तो अब निकलते हैं भाई, तैयार होके पेट पूजा कर ली है, क्योंकि वही टेलीकॉम का वर्क जो होता है उसमें दिन को भाई खाना नसीब नहीं होता भाई, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पर साइटें होती है भाई, तो आप समझ सकते हो। तो घर से फिट होके जाते हैं हम, तो अब फाइनली निकल जाते हैं अब रूम से और दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू कैसा है मौसम आज। तो वही फाइनली मैं निकल गया हूँ भाई अब रूम से, और रूम के बाहर भाई कुछ इस तरह के फूल, ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं भाई इस तरह के फूल, कुछ इस तरह के फूल लगाए हैं भाई यहाँ पर बाहर हमने, है देखिए। और ये गाड़ी का टायर है, इसको मॉडिफाई करा के भाई कुछ इस तरह के फूल लगाए हैं यहाँ पर, देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं भाई ये। तो भाई ये है अपना रास्ता, और हर व्लॉग में आपको दिखाता हूँ भाई मैं इसको। तो और सामने आपको है भाई अपना बुशहर, रामपुर बुशहर। तो पहुँच के दिखाऊंगा भाई आपको, क्योंकि ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है, अभी उबड़ खाबड़ है, अभी रास्ता बनाने को है भाई यहाँ पर। तो अब मिलते हैं आपको सड़क पे पहुँच कर भाई, क्योंकि वहाँ पर सुरेश भाई आएगा अपना। तो यहाँ पर भी देखिए कितने प्यारे फूल लग गए हैं, अच्छे लगते हैं ये चीज़ें आंगन में। तो मिलते हैं पहुँच कर, और जिस रास्ते में भाई मैं अभी जा रहा हूँ ना, ये बड़ा डेंजर ही रास्ता है भाई, जो भाई ब्रॉस है उनको पता है कि कितना डेंजर रास्ता है। डेंजर तभी है भाई यहाँ पर बजरंग बली अटैक कर देते हैं भाई। तो बजरंग बली बोले तो भाई अपने पवन पुत्र हनुमान जी के जो वंशज है भाई आगे, बोले तो बंदर भाई वो इतना ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर भाई। शिमला के बंदर तो ऐसे ही बदनाम है भाई, असली गुंडागर्दी तो ये वाले बंदर करते हैं भाई जो यहाँ वाले। तो फिलहाल मुझे पहुँचना है उस सड़क तक। तो भाई फाइनली सुरेश भाई आ गए, और आज लेंगे हम i20 की फीलिंग भाई, क्योंकि अपने टियागो में नहीं जाएंगे, i20 में जाएंगे। तो फिलहाल अभी कर लेते हैं लंच, क्योंकि भाई एक घंटे बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि भाई सुरेश भाई की वेट करते करते भाई यहाँ पर मुझे बच गए हैं। तो निकलते हैं बाहर और करते हैं अब लंच। तो भाई फिलहाल आज हम i20 की फीलिंग लेंगे, फिलहाल अभी लंच कर लेते हैं भाई, इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो भाई आज राइड करने वाले हम i20 का, i20 की राइड लेने वाले हैं भाई, ये है अपनी ट्रेन i20, और यहाँ पर हमने कर दिया भाई लंच करके अब निकलने वाले हम। दिए पार्क, यहाँ से थोड़ा सा सामान डालेंगे हम बैग में भाई, फिर निकलेंगे, क्योंकि भाई
आगे काम चला है भाई, तो हमारी गाड़ी यहीं पर स्टॉप हो गई है। तो लैपटॉप रहने देना, तो अपना सामान डाल लेते हैं भाई। तो भाई हालत ख़राब होने वाली है भाई। अब मैं भाई डेली धूप में चला रहता हूँ। आगे दिखाऊंगा आपको कि रोड किस वजह से बंद है भाई। तो भाई ये देखिए, यहाँ पर मशीन चली है भाई, रास्ता है बिल्कुल ख़राब बंद। और जाने के लिए भाई मुझे लगता नहीं कहीं से अब रास्ता है आगे। भाई ये मशीन चली यहाँ पर, वही यहाँ पर रोड की कटिंग चली है हमारी। तो ये भी टास्क है भाई, एक आगे निकलना है। ऊपर से वाइट जूते, भाई तो भाई यहाँ से निकलना है भाई, टास्क है एक। वो भी टूट गया इधर, बैग भी टूट गया भाई, हम फंस गए भाई पूरे आज। धूल मिट्टी के बीच भाई आज तो शक्लें चेंज होने वाली है। सुरेश भाई हालत माड़ी होने वाली है आज। तो भाई वो हमारा टावर दिख रहा होगा आपको, वहाँ तक पहुँचना है भैया। तो सुरेश भाई आगे आगे चले, पीछे चला हूँ भाई मैं, और साथ में कर रहा हूँ वीडियो शूट। क्या हो रहे आप? वजीर बॉडी में है वो बना हुआ, वहीं पुल के साथ पीछे को, वहाँ टिकट लगेगी आगे आने वाले टाइम में, एंट्री फीस देखने की। तो भाई चढ़ाई फिर से शुरू होगी हमारी। क्या वा कैसे कौन हो? हाँ तो भी फाइनली पहुँचने वाले हो साइट के पास। ये सामने दिखता है डकोलड़, और यहाँ पर कुत्ते हैं भाई, अटैक भी हो सकता है यहाँ पर। फिलहाल लगता है वो बंद होने शायद अभी। देखते हैं सुरेश भाई के ऊपर तो अटैक होने वाला है, मेरे ऊपर देखते हैं। शेरू आ जा, क्यों करा शोर भाई, इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रहा है? काम हो, आजा चल। देखिए एक और मिल गया भाई यहाँ पे दोस्त, दे पंजा मार, पंजा। ये अपनी साइट फाइनली पहुँच चुके हम साइट पर, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई यहाँ पर। ये जो साइट है भाई, ये डकोलड़ के लिए देती है न्यू रामपुर के लिए सिग्नल। तो अब वीडियो नहीं बनाएंगे भाई, अब काम करेंगे सीधा। तो ये देखिए ये कांग ये कांग तो ऐसा लग रहा है। तो भाई हमारा काम हो चुका है फिनिश। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर दी थी बैटरी जो मैंने आपको दिखाई, तो अभी फैन की आवाज़ आ रही होगी आपको। और सामने देखिए यहाँ पर खोपड़ी मंदिर, यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है भाई। ये अपने विनू भाई का घर है, और इस वाले एरिया के लिए भाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है।
ये है हमारा जियो का टावर अभी यहाँ पर, जहाँ पर मैं हूँ अभी। और यहाँ पे देखिए बीगू, तो भाई काम कर लिया हमने अब, ओके। और अब निकल रहे हैं वापस, क्योंकि भाई 3 घंटे कंटिन्यू काम किया हमने, तो अभी वापस निकल रहे हैं साइड से। और यहाँ पर देखिए भाई अपने रोड का काम चला है भाई, यहाँ पर ब्रॉ के लिए NH बन रहा है भाई, तो डंगे देखिए घुटाला तो आप लोग करेंगे भाई, पोजिशन वाले बंदे इस टाइम। तो भाई काफ़ी भयानक डंगा लग रहा है, मेरे को लगता नहीं है डंगा टिकने वाला बरसात में, लगता है आपको? लगता है टिक जाएगा? कोई भरोसा नहीं इसका तो। फिलहाल भाई सुरेश भाई की हालत हो गई है ख़राब, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है भाई, क्यों रस्सी कहाँ डाली घास के लिए जा रहे, गाय पाली है सुरेश भाई। तो भाई फाइनली हम काम करके आ चुके हैं वापस उसी जगह, और ये मशीन अभी भी भाई काम कर रही है। और रोड देखिए भाई कितना खुला बन रहा है यहाँ को, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भाई हमें। माता का मंदिर सामने और थोड़ी थोड़ी अभी जाके अब सीधे ही आना पड़ेगा भाई। तो भाई वहाँ पहुँचने भाई हालत ख़राब हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी है भाई, इसको इशारा करना पड़ेगा। आगे जैसे रहना पड़ेगा, और भाई हमारे देख ले भाई, इसको सुनाई नहीं दे रहा आज तो भाई, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, वो बंदा फुल मोड में है भाई। भाई हम ना बिल्कुल क्या ही बताऊं भाई, मिट्टी मिट्टी लगी है भाई सारे में, आपको दिखाऊंगा भाई कैसी हालत हो गई है पैरों की। ये देखिए भाई मिट्टी मिट्टी भाई सारे में, ऐसी भाई धूल उठाई है ना, क्या करें, रास्ता यहीं से था भाई। तो फाइनली हम पहुंचे अपनी गाड़ी के पास, तो भाई स्मार्ट फोन रखवा लेते हैं और गाड़ी खोलता हूँ भाई। पहले आपकी चाबी मेरे पास है, अभी वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। ये फिलहाल है यहाँ पर, खोल देते हैं, खुल गई भाई। फोन नहीं बज रहे हैं बार बार। रुको ये भी रखो सुरेश, ये पकड़ो। कपड़ा निकालो यार, देखिए कैसी हालत हो गई है, कपड़ा कुपड़ा मार के भाई। फिलहाल अभी थोड़े से आदमी लग रहे हैं, फिलहाल अब चलते हैं। भाई i20 का ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई भाई, जो ये डिस्प्ले है ना भाई डैशबोर्ड की, और यहाँ पर अभी गाड़ी में ना जो इसके एयर प्रेशर है टायर का वो भी थोड़ा सा कम है, तो सारी चीज़ें बता देती है भाई। ये देखिए डिस्प्ले लगी, ये पूरा फील है भाई गाड़ी में। तो फिलहाल अब कैमरा करता हूँ बंद और जाते हैं भाई वापस अब अपने घर की ओर। तो भाई अब i20 का फील ले रहा हूँ भाई, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है भाई, देखते हैं जब बजट होगा सही अपना भाई हम यही गाड़ी लेंगे। अब वैसे तो अपनी टियागो भी सही है, पर क्या करें भाई, एक दूसरे की गाड़ी और लाड़ी अच्छी लगती है। क्या सुरेश भाई क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही बात है यार, चलिए कोई ना, देखते हैं इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रो पहुँच कर।
आज के ब्लॉग में इतना ही। सुरेश भाई गाड़ी में ही सो गए आज, देखते हैं अब भाई। आज अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? नहीं तो बैठो सुरेश भाई, ठीक है? फिर चलावा, अब खुद नहीं चलेंगे अब इधर ही आना पड़ेगा। फिर अब बाय, देते अब अगले वीडियो में कम करो जिम जुम जाओ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने साइबर में भाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।